नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना योग गुरु उमेश जोशी। साथियों, आज का जो विषय है वायु मुद्रा। तो वायु मुद्रा करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारी नई अपडेट जानने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो साथियों, चलिए किस तरह से करते हैं वायु मुद्रा। तो इसमें क्या करना होता है, सर्वप्रथम हमें अंगूठे से अपनी जो पहली उंगली है उस उंगली को, तर्जनी को इस तरह से दबाना है। ये है, इसको हल्के से टिप करके इस तरह से रखना है। दोनों हाथों से आप इस मुद्रा को कर सकते हैं। इस तरह से ये मुद्रा कहलाती है, आप देखें बिल्कुल ध्यान से। यह है वायु मुद्रा। हमने अंगूठा और पहली उंगली जो तर्जनी है उसको मोड़ा हुआ है, दोनों हाथों से हम लोग कर रहे हैं इस तरह से, और तीनों उंगलियों को आप सीधा रखते हैं। तो यह कहलाती है वायु मुद्रा। तो साथियों, वायु मुद्रा आप जब भी करें किसी भी मुद्रा को, तो किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें, वज्रासन में आप सहजता के साथ कर सकते हो, वज्रासन में करें। वज्रासन में यह मुद्रा बहुत अत्यधिक लाभकारी होती है। अगर आप इस मुद्रा को वज्रासन में करेंगे तो इसके दुगने परिणाम, दुगने फायदे आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ हमारे अंदर जो शरीर में अपच की समस्या होती है, गैस की होती है, और कई लोगों को लकवा आ जाता है, तो उस दौरान भी आप अगर इस क्रिया को करते हैं या लकवे जब धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं तो इसके परिणाम बहुत ही सुखद आते हैं लकवा ठीक करने में। और गठिया संबंधित रोग जो है, आजकल गठिया की समस्याएं भी बहुत ज़्यादा आती है, और शीतलता में यह बहुत ही परेशान करता है। साथ ही साथ साइटिका नाड़ी का हमारे इसमें बहुत अत्यधिक ऊर्जायमान प्रभाव पड़ता है। साइटिका नाड़ी के जो दर्द होता है वह धीरे धीरे ठीक होता है। और जोड़ों का दर्द, साथ ही साथ जो कमर में दर्द होता है और रीढ़ संबंधित जितने भी दर्द होते हैं उनसे हमें क्या होता है, धीरे धीरे निजात मिलना आरंभ हो जाता है जब हम इसको क्रमबद्ध तरीके से रोजाना करते हैं। और जो बॉडी में कंपवान होता है, कई लोगों की बॉडी जो होती है प्रकंपित होती है, तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। और साथ ही साथ रेंगने वाले, कई बार हमें कहीं कहीं पर दर्द कभी कंधे में आ जाता है, कभी पीठ में आ जाता है, कभी हमारे नेक में आ जाता है, तो इस तरह के जो दर्द होते हैं उनसे हो हमें क्या करते हैं, मुक्ति दिलाते हैं। और साथ ही साथ साथियों, हमारे पेट में अगर दस्त लग जाते हैं या पेट खराब हो जाता है या कब्ज है, एसिडिटी है, तथा पेट संबंधित जितने भी विकार होते हैं उनसे मुक्ति दिलाने में वायु मुद्रा एक अहम भूमिका निभाती है। और साथ ही साथ इसमें जो आध्यात्मिक लाभ क्या होते हैं कि हमारे अंदर मन की जो चंचलता है धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, मन एकाग्र होता है, और सुषुम्ना नाड़ी में प्राणों का धारा प्रवाह होने लगता है, वायु संचार बिल्कुल निरंतरता के साथ होने लगता है, जिससे चक्रों को, जो हमारे चक्र मेडिटेशन होता है जिसे हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, उसको खुलने में, उसको जागृत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वायु मुद्रा। तो साथियों, आप जरूर वायु मुद्रा करें। और एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन जरूर दबाएँ। धन्यवाद, नमस्कार।